हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में आने वाली चकबंदी लेखपाल के पदों पर वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल्स आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी पहुंचे और वो भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2020, यूपी UPSSSC चकबंदी लेखपाल रिक्रूटमेंट 2020। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक एक करके सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं नीचे दी गई जानकारी पिछले वर्ष की आधिकारिक अधिसूचना और नवीनतम समाचारों पर आधारित है, यानी कि दोस्तों कुछ जानकारियाँ प्रेजेंट टाइम की है और जो कुछ जानकारियाँ हैं वो पिछले वर्ष की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जॉब लोकेशन की, यानी कि इसमें चयन होने के बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो उत्तर प्रदेश में होगी। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2020 न्यूज़ के बारे में। सूत्रों के अनुसार यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि 6000 लेखपाल पदों के लिए नया आवेदन फॉर्म 5 फरवरी 2020 से, जी हाँ 5 फरवरी 2020 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसमें जो चयन होगा केवल और केवल एग्ज़ाम के आधार पर चयन किया जाएगा। और दोस्तों, इस वैकेंसी को UPSSSC के माध्यम से कराया जाएगा और इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 5 मार्च 2020 होगी। तो चलिए आपको इसके बारे में सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें सबसे पहले पोस्ट नेम की, तो ये है चकबंदी लेखपाल। बात करें दोस्तों हम टोटल वैकेंसी की, तो इसमें लगभग लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि दोस्तों सभी न्यूज़ में जो न्यूज़पेपर हैं उसमें यही खबर आ रही है कि 6000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसका आवेदन 5 फरवरी 2020 से स्टार्ट हो रहा है। बात कर लें हम इसकी मिनिमम पे स्केल की, तो दोस्तों इसका पे स्केल 21,700 रुपये पर मंथ होगा और जो मैक्सिमम पे स्केल होगा वो 69,100 रुपये पर मंथ होगा। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें, यानी कि दोस्तों इसमें जो उम्र सीमा रखी गई है उसके बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसमें भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल तथा OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके चयन प्रक्रिया की, तो दोस्तों इस बार इसमें बहुत ही बड़ी बदलाव की गई है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बार जो इसमें चयन होगा केवल और केवल रिटर्न एग्जाम के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की, तो इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी 2020 से और इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 5 मार्च 2020 होगी, यानी कि दोस्तों 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप इसके एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान भी 5 मार्च 2020 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको आवेदन शुल्क देना होगा उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें जनरल के लिए 185 रुपये का शुल्क होगा, EWS कैटेगरी के लिए 185 रुपये, OBC के लिए 185 रुपये शुल्क, SC के लिए 95 रुपये तथा ST के लिए भी 95 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और दोस्तों, इसके फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के माध्यम से भी आप इसके फीस का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें आपके पास किसी भी स्ट्रीम से 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें हम इसकी एज लिमिट की, तो 1 जुलाई 2020 के गणना के आधार पर मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 वर्ष निर्धारित की गई है और इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। वैकेंसी डिटेल दोस्तों देख सकते हैं 6000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन करने के लिए जो आपका रिक्वायर्ड होगा वो चेहरा साफ होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए और मुंह बंद होना चाहिए, पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की होनी चाहिए, यानी कि जो फोटोग्राफ होगा वो पीछे का सफ़ेद होना चाहिए। फोटो का आकार यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 इंच होगी। और दोस्तों फोटो यहाँ पर देख सकते हैं 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो रिक्वायर्ड होगा यही डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में आई थी खबर, राजस्व लेखपाल के करीब 6000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है। इस बार भर्ती बिना इंटरव्यू के होगी। सीएम योगी आदित्य ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद इस संबंध में कार्यवाही अटके रहने पर लेखपाल संघ ने राजस्व परिषद चेयरमैन के सामने यह मामला उठाया था। तो इस तरह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पहली बार बिना इंटरव्यू के होगी भर्ती। तो यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं, योगी सरकार ने समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी है। इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त होने के बाद लेखपालों की यह पहली भर्ती होगी। इसके बाद और इसे दोस्तों इसके पहले इसका चयन परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होता था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमर उजाला की खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 6000 पदों पर लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जो कि 5 फरवरी 2020 से आवेदन स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों यह वैकेंसी UPSSSC के माध्यम से कराई जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास CCC भी होना चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपके पास CCC होगा, यानी कि कंप्यूटर कोर्स होना भी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर के आधार पर मैंने आपको ये खबर दी है। तो दोस्तों जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सभी इन्फॉर्मेशन जान सके। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।